हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कंडीशन है जहाँ पे बॉडी का थायराइड लेवल्स बहुत ज़्यादा होता है। थायराइड लेवल्स बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से बॉडी का T3 लेवल्स T4 लेवल्स बहुत ज़्यादा होता है, TSH लेवल्स बहुत ज़्यादा कम होता है। ये थायराइड हार्मोन बेसिकली बॉडी का एक मेटाबॉलिक हार्मोन है जो कि बॉडी को एक तरह से हाइपर एक्टिवेट करता है, ओवरड्राइव मोड में लेके जाता है और हृदय गति बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन होने लगते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, लूज मोशन होने लगता है, वजन कम होने लगता है। ये बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं। आज बेसिकली हम बात करेंगे कौन कौन से फूड्स हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स के लिए यानी इंक्रीज थायराइड वाले पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं, कौन से फूड बुरे हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए अच्छे फूड्स पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आज हाइपरथायरॉयडिज्म पर वीडियो है। इसके लिए बेस्ट फूड्स कौन से हैं? पहला है लीन प्रोटीन्स। लीन प्रोटीन जैसे कि अगर नॉन वेजिटेरियन फूड्स में लीन चिकन, टर्की, इस तरह की चीज़ें खाएं या फिश खाएं या बीन्स वगैरह खाएं तो ये लीन प्रोटीन्स हैं यानी फैट फ्री या लो फैट वाले प्रोटीन्स हैं। ये हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स के लिए अच्छे माने गए। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी साग सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, विटामिन्स होता है जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, वेलबींग इम्प्रूव करता है, आपकी ओवरऑल विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को कम करता है, बॉडी वेट को भी प्रॉपरली मेंटेन करता है हेल्दी वे में। तो अगर आपको थायराइड का ज़्यादा होने का प्रॉब्लम है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लीजिए। नेक्स्ट है होल ग्रेन्स को ज़्यादा लीजिए। होल ग्रेन्स यानी फाइबर कंटेनिंग ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन ब्रेड है, ओट्स है, क्विनो है, ये सारी चीज़ क्विनोआ बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ों में फाइबर कंटेंट अच्छा होता है तो आपके लिए अच्छा है। होल ग्रेन्स वैसे भी ज़्यादातर केसेस में जिनको भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है उनके डाइजेशन के लिए अच्छा माना गया है। तो अगर जिसको भी थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, उनको होल ग्रेन्स लेना चाहिए। नेक्स्ट है लो आयोडीन कंटेनिंग फूड्स यानी कि ताज़ा फल सब्जी है, वेजिटेबल्स है या ग्रेन्स है जिसके जिसमें आयोडीन कंटेंट ओवरऑल कम रहता है, वो सब्जियां या वो चीज़ें हमको ज़्यादा लेनी चाहिए ताकि ओवरऑल थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बॉडी में कम हो। और लास्ट चीज़ है कोई भी चीज़ अगर एल कार्निटीन एक अमीनो एसिड है वो अगर जिस भी चीज़ में ज़्यादा होता है तो ये थायराइड रिलेटेड सिम्टम्स को कम करता है। ये लीन मीट्स यानी फैट फ्री मीट्स में ज़्यादा रहता है, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध के से बने हुए प्रोडक्ट्स में ज़्यादा रहता है और कुछ सब्जियां जैसे एस्पैरेगस और ब्रसल स्प्राउट्स में ज़्यादा रहता है यानी चौलाई और ब्रसल स्प्राउट्स में रहता है। तो ये सब्जी जिसमें एल कार्निटीन ज़्यादा होता है ये हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के लिए सबसे अच्छे फूड्स माने गए। तो जिनको भी थायराइड लेवल्स बहुत ज़्यादा है उनको ये फूड्स लेने चाहिए। वर्स्ट फूड्स कौन से हैं यानी सबसे ख़राब फूड्स कौन से हैं? आयोडीन रिच फूड यानी जो भी फूड जैसे सी फूड है, फिश फूड है या सी वीड्स है, आयोडाइज सॉल्ट है, ये जिनको भी थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आयोडाइज सॉल्ट में आयोडीन कंटेंट ज़्यादा रहता है। जिन लोग को हाइपोथायरॉयडिज्म उनको लेना चाहिए, जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है उनको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स। कैफीन से रिलेटेड बॉडी में ट्रेमर्स और पैल्पिटेशन होने का प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो इसलिए चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स या एनर्जी ड्रिंक्स जिसमें भी कैफीन बहुत ज़्यादा होता है वो थायराइड वाले पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, नुकसान करेगा, पैल्पिटेशन और अरिथमिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है शुगर और प्रोसेस फूड्स नहीं लेना चाहिए। जो लोग को भी हाइपरथायरॉयडिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो को उन लोग को बहुत ज़्यादा शुगरी फूड या शुगर कंटेनिंग चीज़ें या प्रोसेस्ड फूड्स, मैदे से बनी हुई चीज़ें या स्नैक्स, इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, नुकसान करता है। नेक्स्ट है ग्लूटेन वाली चीज़ें। कुछ हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को गेहूँ ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ग्लूटेन का हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स में थोड़ा सा इंटॉलरेंस होता है इसलिए उनको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी और सुस्ती हो सकती है, इसलिए गेहूं से बनी हुई चीज़ें या जो भी चीज़ों में ग्लूटेन ज़्यादा होता है वो सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। लास्ट चीज़ है सोया नहीं लेना चाहिए। सोया प्रोटीन जो है, सोया जो है वो थायराइड फंक्शन के साथ इंटरफेयर कर सकता है इसलिए इसको पूरा बंद नहीं है लेकिन बने इतना कम मात्रा में लीजिए, बहुत ज़्यादा मत लीजिए। थोड़ा सा मात्रा में लेंगे तो फ़ायदा करेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो नुकसान करेगा। यानी अच्छे फूड्स में लीन प्रोटीन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लो आयोडीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स और फूड्स जो एल कार्निटीन में अच्छे हैं उनको लेना चाहिए। वर्स्ट फूड्स में कोई भी आयोडीन कंटेनिंग फूड्स है, आयोडाइज सॉल्ट है, कैफीनेटेड प्रोडक्ट्स है, शुगर एंड प्रोसेस फूड्स है, ग्लूटेन है और सोया कंटेनिंग प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेना चाहिए। तो आज हमने बात की कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स थायराइड वाले पेशेंट जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें लेनी चाहिए, कौन से फूड प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा।
जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं या कोई यूट्यूब लाइव सेशन करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। यदि आपको हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा डिटेल कंटेंट नहीं चाहिए, लॉन्ग वीडियोज़ आप नहीं देखना चाहते, तो रेगुलर बेस पर हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। इसमें सारे टॉपिक्स का ब्रीफ समरी रहता है। ये सारे शॉर्ट्स हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी रील्स में अपलोड कर रहे हैं, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, तो आपको वही कंटेंट मिल जाएगा बिना ज़्यादा ढूंढने की मेहनत की। आपको सारे टॉपिक का ब्रीफ समरी मिल जाएगा। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियोज है ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए हम रेगुलर बेस पे सारे टॉपिक्स को प्लेलिस्ट में डिवाइड कर देते हैं। प्लेलिस्ट में आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट रिलेटेड सारा जो भी कंटेंट है अलग अलग प्लेलिस्ट में डिवाइडेड मिलेगा। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ। स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे और वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको जो भी टॉपिक चाहिए उससे रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगे, और आपको ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू।